वेलकम बैक टू शारुक ब्लॉग। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग बताऊंगा ओडिशा मैरिटाइम एकेडमी के बारे में। दोस्तों बहुत दिन से वीडियो इसलिए अपलोड नहीं किया क्योंकि वेस्ट बंगाल में साइक्लोन अम्फान हुआ था, ठीक है। तो तूफान ने बहुत तबाही मचा दिया, बहुत ही नुकसान हुआ, किसी के घर पे पेड़ गिर गया, देख सकते हो ये है पिक्चर, और बसेस टूट गई, बस का ऊपर भी पेड़ गिर गया। और जो साइक्लोन का स्पीड था 100 to 150 किलोमीटर पर आवर्स का, ठीक है। तो सोच सकते हो ऐसे कितना स्पीड में और इतना नुकसान हुआ, मिलियन रुपये का नुकसान हुआ है वेस्ट बंगाल में। तो वॉर्निंग से इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। और रहता है ना इलेक्ट्रिक का जो वायर रहता है पिलर, वो भी टूट गया है, तो लाइट का प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। आज का वीडियो मैं आप लोग बताऊंगा ओडिशा मैरिटाइम अकेडमी के बारे में। ओडिशा मैरिटाइम अकेडमी पारादीप में है कॉलेज, और दोस्तों इसका फीस बहुत ही कम है, टॉप 3 में इसका नाम आता है। अगर आप जीपी रेटिंग कोर्स करना चाहते हो तो ये बेस्ट कॉलेज है आपके लिए, ठीक है। ओडिशा की स्टेट गवर्नमेंट ये कॉलेज चलाती है, और गाइस इसका फीस भी बहुत कम है, खाना पीना भी अच्छा है, और खाना पीना भी अच्छा है, और पढ़ाई भी अच्छा है। तो गाइस चलिए वीडियो को देखते हैं। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को ओडिशा मैरिटाइम कॉलेज का नंबर वाइज रिव्यू दूंगा। तो गाइस फर्स्ट नंबर में है कोर्स, और सेकंड नंबर में है बैच, थर्ड नंबर देख सकते हो एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो प्रोसेस क्या रहेगा, और चार नंबर में चौथा नंबर फीस के बारे में बताऊँगा, और पांचवा नंबर है फूड का, खाना पीने का, सिक्स है प्लेसमेंट, और सेवन है स्टडी। कॉलेज किन किन कंपनी में प्लेसमेंट करवाती है ये भी बताऊंगा आप लोगों को। दोस्तों फर्स्ट नंबर में है कोर्स, देख सकते हो दोस्तों कोर्स सिर्फ जीपी रेटिंग कोर्स करवाती है कॉलेज, सीसीएमसी नहीं होता, ठीक है। और देख सकते हो ये है कॉलेज का पिक्चर। दोस्तों सेकेंड नंबर है बैच, गाइस बैच जनवरी टू जून वन बैच पढ़ाते हैं और 40 बच्चा रहता है, और जुलाई टू दिसंबर वन बैच 40 बच्चा, ठीक है। दोस्तों तीन नंबर पॉइंट है एडमिशन प्रोसेस। दोस्तों अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो सीधा डायरेक्ट कॉलेज में जाके एडमिशन लेना, कोई भी एजेंट के चक्कर में मत फंसना, ठीक है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो ओडिशा मैरिटाइम अकेडमी में सीधा ऑफिस में जाना, रिसेप्शन है, जाके सीधा उधर ही एडमिशन लेना, जितना रुपया आपको पे करना है सब डिमांड है आपका हिसाब से आपको पे करना है, तो ऐसा भी देख लेना, पूछ लेना, और कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आप लोगों को दे दूंगा डिसीजन में। दोस्तों चार नंबर पॉइंट है फीस। दोस्तों अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, उड़ीसा के लोकल हैं, तो आपका फीस रहेगा टोटल आपको पे करना पड़ेगा 1,20,000, ठीक है। अगर आप नॉन उड़ीसा है, आप अदर स्टेट का है, तो आपको 1,30,000 पे करना पड़ेगा डीडी के हिसाब से, आपको डीडी में पे करना है। दोस्तों पांच नंबर पॉइंट है फूड, खाना पीना दोस्तों बहुत ही अच्छा है, ट्यूजडे को एग और वेनेसडे को चिकन, फिर सैटरडे को एग और संडे को चिकन बनता है, तो ऐसे खाना पीना बहुत ही अच्छा है, पैसा का हिसाब से सही है, 1,20,000 आपका फीस है, तो खाना पीना भी ठीक ठाक है, पैसा के हिसाब से आपका खाना पीना सही है। दोस्तों छः नंबर पॉइंट है प्लेसमेंट। दोस्तों अगर आप ओडिशा मैरिटाइम अकेडमी कॉलेज में ज्वाइन करते हो तो आपका बहुत ही अच्छा कंपनी में, रेपुटेड कंपनी में आपका प्लेसमेंट होगा। तो गाइस फर्स्ट नंबर में एंग्लिस्टन, मैं वेबसाइट में चेक किया हूँ तो टोटल 4 शो कर रहा है, आर्का मेरिन और फ्लीट मैनेजमेंट, ये दो। दोस्तों अगर आप एंग्लिस्टन में अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो वेटिंग है, ठीक है, तो देख लेना अगर आपको एनजी साइड ज्वाइन करना है, एंग्लिस्टन बहुत ही अच्छी कंपनी है, ठीक है। तो अगर आप इंजीन साइड में ज्वाइन करते हो तो आपका एंग्लिस्टन में होगा, अगर आप डेस्क साइड में ज्वाइन करते हो तो आपका ओशन स्पार्कल कंपनी में होगा, तो ये आपका पर डिपेंड करता है आपको कहाँ ज्वाइनिंग करना है। एंग्लिस्टन का 6 मंथ का कोर्स होता है, कोलकाता में करवाती है ओडिशा मैरिटाइम, तो आप एज ए फीटर ट्रेनिंग फीटर में ज्वाइन करेंगे तो आपका 500 से 600 थोड़ा सैलरी आएगा, और ओशन का आपको पता है बहुत सारा वीडियो में आप लोग बताया 18,700 सैलरी आएगा, तो बस यही है प्लेसमेंट का हिसाब। दोस्तों सात नंबर पॉइंट है स्टडी। दोस्तों स्टडी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है, ये आपका पर डिपेंड करता है आप कितना घंटा पढ़ता आपका पर डिपेंड करता है आप कितना घंटा पर डे पढ़ाई करते हो। तो मैं जब कॉलेज में ज्वाइनिंग किया था, मैं कलकत्ता में कोर्स किया था, ठीक है, तो मैं पर डे 2 घंटा पढ़ाई करता था पर डे का, तो 2 घंटा पर डे आप पढ़ाई करना, 1.5 से 2 घंटा, ठीक है, पूरा मन लगा के ध्यान से पढ़ाई करना तो आप इजीली पास कर जाओगे। तो ऐसे ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर।